कोर के कारण कर्ज भुगतान में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। अरिंदम बागची ने कहा कि विदेश पढ़ रहे छात्रों की मदद करेगा विदेश मंत्रालय। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलने का लक्ष्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना से अनाथ बच्चों को अब 23 साल तक मदद की तैयारी। अरविंद केजरीवाल बोले, संविषम के आधार पर कल से खुलेंगे मॉल बाजार, आधी क्षमता में दौड़ेंगी मेट्रो। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भाजपा पर तंज, कहा महामारी के दौरान सत्ता की लालसा से अराजकता उत्पन्न होगी। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में मिले 267 नए मामले, अब तक 53 मरीजों ने गवाई जान। केंद्रीय मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध। गाजियाबाद में कल हट सकता है कोरोना कर्फ्यू, करना होगा नियमों का पालन। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में रियायतों के साथ बड़ा लॉकडाउन। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।